अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं वो कॉमर्स के थ्रू वर्डप्रेस की वेबसाइट में, और उन प्रोडक्ट्स को किस तरह एडिट कर सकते हैं और किस तरह से डिलीट और रीस्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड शो होगा, उसमें आपने लेफ्ट साइड पर ऑप्शंस में देखना है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास आ रहा होगा ऐड न्यू, आप ऐड न्यू पर क्लिक कर दें। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। उसमें हम आज जो हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे वो हम सीईओ चेयर ये हम अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट का जो ऊपर हेडिंग होती है, जो नेम होता है, वो यहाँ पर आपने लिख देना है। डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ कॉपी की हुई है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, किसी को पैराग्राफ, हेडिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कंटेंट को आप अरेंज कर सकते हैं इस विंडो में। पहली चीज़ आपने नाम लिख देना है, नाम लिखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो लिंक को भी एडिट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज, हमने प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट इमेज को हम अपलोड करेंगे। मैंने सिस्टम में कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, आपने सेलेक्ट पर क्लिक कर लेना। ये 3 इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई हैं, हम इनको अपलोड कर लेंगे। अच्छा, जो प्रोडक्ट इमेज में होता है वो हम वहाँ पर हम सिर्फ एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो हमारी मेन इमेज होती है। आप इनमें से कोई भी इमेज देख लें, हम इस इमेज को अपलोड कर लेते हैं। ये इमेज हमने यहाँ पर मेन इमेज के तौर पर अपलोड कर ली है। प्रोडक्ट गैलरी, अब ये वो इमेजेस होती हैं जो नीचे शो होती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये शो हो रही होती हैं। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके ये 2 इमेजेस जो हैं इनको भी ऐड टू गैलरी कर लें। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास वो होती है प्राइस। लाइक 15,000 इसकी रेगुलर प्राइस है, और सेल प्राइस अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सेल प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। ये स्केड्यूल जो आ रहा होता है इसमें आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि सेल जो है कब तक वैलिड है। अगर आप 10 डेज़ के लिए सेल्स वैलिड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लिख सकते हैं। जैसे फेब से लेके आप 28 तक आप इसको वैलिड करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेल प्राइस ख़त्म हो जाएगी, रेगुलर प्राइस शो होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने कैटेगरीज में से ये जो हमने कैटेगरीज लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं, उनका ये पर्पज़ होता है। अब हमने चेयर्स अपलोड कर रहे हैं तो हम चेयर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें डबल कैटेगरी शो हो रही हैं। आप देखें कि जो हमने मेन्यूज़ में कैटेगरीज दी हुई हैं, आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। एक तो आप मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लें फर्नीचर, ठीक है, ताकि कोई फर्नीचर पर क्लिक करता है तब भी हमारी ये सारी प्रोडक्ट शो हों, और दूसरी जो है वो हम चेयर्स पर क्लिक कर लेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पर कुछ टैग्स लिख देते हैं, सीईओ चेयर। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट 5 to 10 टैग्स इंटर कर सकते हैं ताकि गूगल जब सर्च करता है तो उसको सर्च करने में इजी हो जाता है। ये चीज़ एसईओ में यूज़ होती है। ये करने के बाद हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बेसिक बेसिक जो हमने इंटर करनी थी। हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा आएगा प्रोडक्ट पब्लिश। ठीक है, आप इस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि वो वेबसाइट पर किस तरह अपलोड हुई है और किस तरह से वो नज़र आ रही है। ठीक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका लिंक भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, सीईओ चेयर, और यहाँ पर हमने सेल की वैल्यू इंटर की हुई है तो वो यहाँ पर हमारे पास सेल का आइकन भी शो हो रहा है। हमारे पास मेन इमेज ये शो हो रही है इसकी, नीचे जो हमने गैलरी में इमेजेस अपलोड की थी वो नीचे यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, वो इमेजेस को कस्टमर यहाँ से चेक कर सकता है। हमने कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिखी थी, डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो वो सारा डाटा हमारे पास कंटेंट जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ शो हो रहा है, और हमने इसकी प्राइस जो इंटर की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अभी इसकी प्राइस जो है वो डॉलर में आ रही है, और यहाँ पर पॉइंट के साथ ये 00 इस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है। अगर हमें ये नहीं चाहिए और प्राइस भी डॉलर में नहीं चाहिए तो वो करेंसी हम चेंज कर सकते हैं वो कॉमर्स के प्लगइन से। उसकी सेटिंग्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से वो कॉमर्स के प्लगइन में हम डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम प्रोडक्ट्स किस तरह अपलोड कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि हम प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं अगर, तो वो हम किस तरह करेंगे? तो वो हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स में हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं जो हमने अपलोड की हैं। ये लास्ट टाइम हमने जो की है वो ये वाली प्रोडक्ट थी, तो हम इसको एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास पहले विंडो शो हो रही थी उसी तरह हमारे पास दोबारा से वो प्रोडक्ट की विंडो शो हो रही है। अब हम यहाँ पर इसकी प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं, 14,000 रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस हम 12,000 कर देते हैं। और जस्ट हमने कंटेंट अगर आपने चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। इमेजेस अगर आपको चेंज करनी है प्रोडक्ट्स की तो वो यहाँ से आप इसको डिलीट करके न्यू इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा है। आप जस्ट अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि प्रोडक्ट अपडेटेड। आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि प्राइसेस उसकी चीज़ें अपडेट हुई हैं। ये आप देख सकते हैं हमने प्राइस को जस्ट अपडेट किया था तो वो प्राइस इसकी अपडेट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, रेगुलर प्राइस भी और सेल प्राइस भी इसकी अपडेट हो गई है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को एडिट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आप एडिट करना चाहें, इमेजेस को एडिट करना चाहें आप, या इसकी प्राइस को एडिट करना चाहें, तो आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उसको जस्ट ट्रैश के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे वन प्रोडक्ट मूव टू द ट्रैश, तो ये प्रोडक्ट अब हमारी वेबसाइट से डिलीट हो गई है। ठीक है, अभी ट्रैश में वो अवेलेबल है, अगर हम उसको दोबारा लाइव करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम उसको दोबारा लाइव भी कर सकते हैं। और परमानेंटली अगर वेबसाइट से डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ट्रैश के बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको यहाँ से रीस्टोर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा लाइव हो जाएगी। अगर हम उसको परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम वो इस पर क्लिक करेंगे तो परमानेंटली वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। अभी हम रीस्टोर करके देख लेते हैं। इसको रीस्टोर किया है, अभी आप पब्लिश पर क्लिक करें। तो आप देखें दोबारा से हमारी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो गई है। आज हमने देखा है कि हम किस तरह से न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और किस तरह से उन्हें डिलीट करते हैं, किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरह से रीस्टोर करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू सो मच।